तो क्या चला हम लोग यार। अच्छी रिकॉर्डिंग न्यूडियो के साथ वापस। तो रिसेंटली पबजी बैन हो चुका है, बहुत सारे लोग सीओडी पे आ चुके हैं। सो अभी तो बहुत सारे लोग नूब है, तो मैंने सोचा कि चलो यार एक वीडियो बनाते हैं, जब किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि करना है क्या है। तो ये इस सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड है, मैं इस सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ कि सीओडी नूब टू प्रो। तो उस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसका कंसेप्ट क्या है, इसमें करना क्या है, एंड इसमें कौन कौन से मोड्स हैं, कौन कौन से मैप्स हैं। सो इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आएगा जल्द ही, तो सब्सक्राइब करके रखना चैनल। तो नेक्स्ट एपिसोड मैं लेकर आऊँगा। ओके, तो जब भी आप सीओडी वगैरह डाउनलोड करोगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिख जाएगी। पहले आपका ये दो बार अपडेट होगा एंड फिर अनपैक होगा, तो इस तरीके की स्क्रीन खुल जाएगी। एंड बहुत लोग क्या करेंगे, गेस्ट अकाउंट बनाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि गेस्ट अकाउंट मत बनाना गलती से भी, और फेसबुक से भी मत लॉग इन कर लेना। तुम एक नया अपना कॉल ऑफ ड्यूटी अकाउंट बनाना। जैसे तुम कॉल ऑफ ड्यूटी अकाउंट पर क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा तुम्हारे सामने। तो अभी मेरा लोड हो रहा है। ओके, तो खुल चुका है। तो अगर वहाँ कोई कॉल ऑफ ड्यूटी अकाउंट नहीं बनाया तो सिंपली क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करो। मेरा बना हुआ है, तो मैं सिंपली आईडी एंड पासवर्ड लगा के इसको लॉग इन कर लेता हूँ सिंपली। तो टाइप कर देते हैं एंड अब क्लिक करते हैं लॉग इन पे। एंड मेरा हो चुका है लॉग इन। एंड लॉग इन होने के बाद ही थोड़ा सा टाइम लेगा खुलने के लिए, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। एंड ओके, तो हो रहा है अभी भी। तो खुलने के बाद ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा तो तुमको। तो अभी जितने भी एडवर्टीजमेंट हो रही है तो उनको हटा देते हैं जल्दी जल्दी। तो अभी सर मत अपना फोड़ लेना, माथा मत फोड़ लेना, मैं आप तुमको सही से समझा रहा हूँ। पहले तो सबसे पहले मैं तुमको बता देता हूँ सीओडी अकाउंट बनाने का फ़ायदा क्या है। तो तुमको जैसे ही तुम सीओडी अकाउंट बनाओगे तो तुमको एक कैरेक्टर मिलेगा, जैसे पबजी में स्किन्स होती हैं कपड़े वपड़े, वैसे इसमें कैरेक्टर होता है। तो तुमको ये वाला कैरेक्टर मिलेगा, आउटराइडर वाइट वाला स्टार्टिंग कैरेक्टर। तो सीओडी अकाउंट बना लेना तो तुमको एक नया कैरेक्टर मिल जाएगा अच्छा खासा। तो हाँ, बना लेना एंड तुम्हारा अकाउंट भी सिक्योर रहेगा। कैरेक्टर लेने के लिए तुमको क्या करना है, लॉग इन करने के बाद यहाँ पे तुमको मेल पे जाके कैरेक्टर मिल जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं मेन चीज़ की तरफ। तो सबसे पहले तुमको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सबसे पहले सेटिंग्स ही बात करें हम लोग, तो सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना है यहाँ ऊपर। एंड यहाँ पे आ जाना ऑडियो एंड ग्राफिक्स के ऊपर। अगर तुम्हारा फ़ोन मरा हुआ है मेरी तरह तो ग्राफिक्स को लो कर देना। एंड जो फ्रेम रेट है ना, इस पर ध्यान देने की बात है। फ्रेम रेट तुम्हारा फ़ोन कैसा व्यू, हमेशा एज हाई एज पॉसिबल रखा करो। फेवरेट कभी भी इसको नीचे मत रखा करो, एज हाई एज पॉसिबल। बाकी अगर तुम्हारा फ़ोन अच्छा खासा है तो ग्राफिक्स वेरी हाई रख सकते हो तुम, या फिर हाई रख सकते हो। फिर आ जाना बेसिक पे एंड यहाँ नीचे देखो हाइड एंड प्रोन बटन राइट हैंड साइड, तो ये तुम्हारा इनेबल होगा। इसको डिसेबल कर देना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम एक पबजी प्लेयर हो तो उसको डिसेबल कर देना। उसके बाद यहाँ पे तुम कंट्रोल्स पे आना, ये वाला सेक्शन है। हाँ, तो यहाँ कंट्रोल्स पे आना एंड यहाँ पे कस्टम लोड आउट पे जाना। एंड अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कंट्रोल्स रखने कैसे। तो सबसे पहले जो जंप एंड उसका बटन होता है, जंप एंड प्रोन का, तो उसको अपने हिसाब से रख लेना एंड बाकी अपने हिसाब से रख लेना। तो मैं फायरिंग बटन दिखाता हूँ कैसे रखना है। तो देखो, मैं इसकी अपेसिटी बढ़ा देता हूँ। तो बहुत लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में कि जो ये दो फायरिंग बटन है इनको ऐसे चिपका के रख देते हैं। तो यार ये मत करना गलती से भी, ये दोनों बटन एक नहीं है, अलग अलग है। तो इनको थोड़ा डिस्टेंस में रखना या फिर थोड़ा अलग अलग रख सकते हो तुम। तो मैं तुमको बता देता हूँ कि ये दोनों बटन्स में क्या डिफरेंस है जब दोनों गोलियों बने। तो मैं अभी चलता हूँ प्रैक्टिस ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। ओके, तो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं एंड मैं बताता हूँ कि ये दोनों बटन्स पे क्या डिफरेंस है। सो अगर मैं ये जो सिंपल बटन है इसको मैं दबाता हूँ, ये वाला बटन जिसमें तुमको एरो ब्लिंक हो रहा है, अगर मैं इसको दबाता हूँ तो ये सिंपली ऐसे गोली चलाएगा जैसे पबजी में चलाता है। बट अगर मैं इस दूसरे वाले बटन को दबाता हूँ तो देखना ये स्कोप खोल के मारता है ऐसे, तो ये फ़र्क होता है। सो अगर बाई चांस बंदा तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा क्लोज है तो अगर तुमने स्कोप खोल दिया तो दिक्कत हो जाएगी। सो इसलिए इन दोनों को अलग अलग रखो। एंड नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग बात करने वाले हैं अभी मोड के ऊपर, कौन कौन से मोड होते हैं। जैसे पबजी में टीम डेथ मैच होता था तो इसमें दो तरीके के मोड होते हैं, सिंपल बैटल रॉयल एंड मल्टीप्लेयर। बैटल रॉयल तो तुमको पता ही होगा। बाकी मल्टीप्लेयर की बात करें तो मल्टीप्लेयर्स में भी मोड्स डिवाइडेड रहते हैं एंड उसके चार मेन मोड्स हैं। टीम डेथ मैच जिसके बारे में पता ही होगा, एंड डोमिनेशन, फिर हार्ड पॉइंट एंड उसके बाद सर्च एंड डिस्ट्रॉय। तो टीम डेथ मैच तो वैसे ही पबजी जैसे ही है, इसमें बस थोड़ा सा अलग है एंड थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम लोग अभी टीम डेथ मैच को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि तो तुम्हें पता ही होगा। तो हम लोग अभी डायरेक्ट टीम डेथ मैच को स्किप करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डोमिनेशन क्या है, डोमिनेशन में आपको क्या क्या करना होता है। ओके, तो समझाने के लिए मैंने एक मैप की पिक आपको भेज दी है।
मतलब मैप की पिक आपको दिखाई दे रही होगी अपनी स्क्रीन पे, तो ये देख सकते हो ए बी सी बना हुआ है कुछ। तो ये तो पहले आपका मैप हो गया बेसिक, बाकी ये जो ए बी सी है ये आपके एरियाज है, ठीक है, मेन एरियाज जो ए और सी एरियाज है ये आपकी स्पॉन लोकेशन है। आप अगर कोई मैच लगाते हो तो आप कभी ए पे स्पॉन हो सकते हो, आपकी पूरी टीम ए पे स्पॉन होगी, या फिर आपकी टीम सी पे भी स्पॉन हो सकती है। तो ये दोनों आपके पूरे एरियाज है। सो इनको क्या करना होता है कि आपको कैप्चर करना होता है। सो अभी चलते हैं गेम के अंदर, एंड मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो आ चुके हैं गेम के अंदर, एक्चुअल गेम के अंदर। एज यू कैन सी कि मैं सी एरिया के पास स्पॉन हुआ हूँ, एंड जब से ही मैं इसके अंदर खड़ा होता हूँ देख सकते हो कि ये भरना स्टार्ट हो गया है ये सी का ब्लू ब्लू, एंड भरने के बाद तुम देख सकते हो कि मेरा एरिया कैप्चर हो गया है। एंड इधर जरा नोटिस डालो, जो स्कोर बोर्ड होता है इस साइड इतना थोड़ा ऊपर होगा, मैंने इसको थोड़ा नीचे करके रखा है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना, तो तुम्हारे ऊपर लगा होगा इस साइड। सो जैसे कि तुम देख सकते हो कि मेरा स्कोर बढ़ रहा है क्योंकि मैंने एरिया कैप्चर किया हुआ है, एंड देख सकते हो कि एनिमी ने भी एरिया कैप्चर कर लिया है। सो अब उसका भी स्कोर बढ़ना स्टार्ट हो गया है। अगर एरिया ब्लू कलर का बना हुआ है मतलब वो तुमने कैप्चर किया है, अगर एरिया रेड कलर का बना हुआ है मतलब वो एनिमी ने कैप्चर किया है। सो एज यू कैन सी आप स्कोर बोर्ड पे देख सकते हो गिवन स्कोर है, इस स्कोर पे अगर कोई टीम पहले पहुंचती है कैप्चर करने के बाद तो वो टीम जीत जाती है। सो अभी आप देख सकते हो मैं एनिमी का बेस भी कैप्चर कर सकता हूँ, तो कैप्चर कर लिया मैंने एनिमी का बेस, एंड अभी मैंने दो एरियाज कैप्चर करके रखे हैं। तो देख सकते हो कि मेरा जो ये पॉइंट है काफ़ी जल्दी जल्दी प्लस हो रहा है, और यहाँ एनिमी ने अभी एक भी नहीं कैप्चर किया, सो उसका पॉइंट जल्दी प्लस नहीं हो रहा है। और अभी देखो एनिमी ने मेरा बेस कैप्चर कर लिया है, एंड अब एनिमी के पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ना चालू हो गए हैं। तो अगर आपको कोई भी मैच जीतना है डोमिनेशन में तो आपको एटलीस्ट दो एरिया कैप्चर करके रखने होंगे तभी आप जीत पाओगे। यूजुअली लोग अपना और ये बी वाला बेस कैप्चर करके रखते हैं। सो आपको भी यही करना है, यही सबसे बेस्ट टेक्निक। कभी भी एनिमी के बेस पे जल्दी मत रश करने चला जाना, पहले अपना बेस फिर बी, और अगर मौका मिल रहा है तभी एनिमी के बेस पे जाना। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ बात कर लेते हैं हार्ड पॉइंट के बारे में। तो हार्ड पॉइंट देख सकते हो, तो हार्ड पॉइंट होता है क्या, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। तो हार्ड पॉइंट एक एरिया होता है छोटा सा डोमिनेशन जैसा ही है ये। सो एज यू कैन सी कि जैसे कि मैं इस एरिया में जाता हूँ तो ये ब्लू हो जाता है, एंड जैसे ही मैं इसके बाहर जाता हूँ ये वापस से वाइट हो जाता है, एंड मेरे स्कोर बढ़ना बंद हो जाते हैं। तो देख सकते हो जब मैं उसके अंदर था तो मेरे स्कोर बढ़ रहे थे, एंड 7 हो गया मेरा स्कोर, बट जैसे ही मैं बाहर निकला मेरा स्कोर बढ़ना कम हो गया। सो अभी देख सकते हो मैं वापस इसके अंदर जाता हूँ एंड फिर से मेरा स्कोर बढ़ना चालू हो गया, एंड जैसे ही एनिमी इसके अंदर जाते हैं तो ये रेड कलर का हो जाता है एंड एनिमी का स्कोर बढ़ना चालू हो जाता है। सो आपको ऐसे ही हार्ड पॉइंट को होल्ड करके रखना है, पहले मैं इसको मार देता हूँ पहले। हाँ, तो आपको ऐसे ही हार्ड पॉइंट को होल्ड करके रखना है, एंड अब जितनी देर तक होल्ड करोगे आपको उतने पॉइंट्स मिलेंगे, एंड जो सबसे पहले वाले स्कोर तक पहुँचेगा वो होगा विनर। जैसे डोमिनेशन में क्या होता है, जो एरियाज होते हैं वो एक जगह पे फिक्स्ड रहते हैं, है ना, वैसे ही हार्ड पॉइंट मूव करने लगता है। अभी देखो मैं वहाँ पे था एंड अभी हार्ड पॉइंट वहाँ पे था, अभी हार्ड पॉइंट यहाँ पे, वहाँ से हट के यहाँ आ गया। सो ऐसे ही से मूव करता रहता है। एंड नेक्स्ट चीज़ देख सकते हो कि तुम अगर क्या हो कि अगर दो टीमें मतलब एनिमी भी आ जाए एक ही हार्ड पॉइंट पे, आप भी आ जाए एक ही हार्ड पॉइंट पे, तो हार्ड पॉइंट हो जाता है कंटेस्टेड। इससे क्या होगा कि किसी का भी स्कोर नहीं बढ़ेगा एंड किसी का भी प्लस नहीं होगा, कोई भी नहीं जीत पाएगा अगर आप हार्ड पॉइंट को कंटेस्टेड रखते हो। तो अगर आपको जीतना है तो आपको आपकी टीम को हार्ड पॉइंट को ब्लू रखना ही होगा, नहीं तो आप नहीं जीत पाओगे। एंड फाइनल जो चीज़ है अपनी, जो कि है सर्च एंड डिस्ट्रॉय मोड। तो इसमें क्या करना होता है, अगर आपने सी एस गो खेला हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, नहीं तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि सामने मेरी एक चीज़ रखी हुई है, तो वह एक्चुअली में एक बॉम्ब है, एंड एज यू कैन सी कि सामने दो एरिया बने हुए हैं ए और बी। सो वो मेरे टारगेट है, एंड वहाँ पर मुझे बॉम्ब प्लांट करके उनको ब्लास्ट करना है। जैसे कि मैं अभी तुमको दिखाता हूँ कि ये देखो मैं बी पे आ गया हूँ। सो अभी देखो ये बॉम्ब प्लांट का ऑप्शन आ रहा है इधर, ये देखो, एंड अगर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं बॉम्ब को इजीली प्लांट कर सकता हूँ। तो देखो बॉम्ब हो चुका है प्लांट, एंड ये देखो ऊपर तुम जैसे कि देख सकते हो जो टाइमर है वो कम हो गया, अभी 1 मिनट था ये एंड अभी कुछ सेकंड्स में हो गया, तो ये एक्चुअली इतनी देर में बॉम्ब फट जाएगा। और अगर एनिमी टीम ने बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया इस टाइम लिमिट के अंदर, जैसे कि तुम देख सकते हो कि एनिमी ने बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया इस टाइम के अंदर, सो मैं हार चुका हूँ। बट
अगर एनिमी इस टाइम लिमिट के अंदर बॉम्ब डिफ्यूज नहीं कर पाता है तो एनिमी हार जाता है। सो नेक्स्ट चीज़ में एक और चीज़ है कि इसको फिनिश करने का कि अगर आपने बॉम्ब नहीं लगाया, फिर एनिमी ने बॉम्ब नहीं लगाया है और वो आपको मार देता है तो आप राउंड हार जाओगे, या फिर वो वाली टीम आपकी पूरी टीम को ख़त्म कर देती है तो आप राउंड हार जाओगे, और अगर आप उनकी टीम को ख़त्म कर देते हो तो वो राउंड हार जाएंगे और आप जीत जाओगे। एंड अभी अभी जैसे कि आपने देखा कि आधा राउंड गुजरने के बाद इसमें साइड्स स्विच हो जाते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते थे कि अभी मैं बॉम्ब लगा रहा हूँ तो अभी एनिमी बॉम्ब लगा रहा है और ये वही राउंड है, वीडियो स्किप्ड नहीं है। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और अगर मैं एनिमी का ये जो बॉम्ब है, देखो डिफ्यूज़ का ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं इसको डिफ्यूज़ कर दूंगा सो मैं ये राउंड जीत जाऊंगा। तो यही है, और इसमें साइड स्विच होती रहती हैं, तो मैक्सिमम इसमें दो बार साइड स्विच होती हैं एंड एक बार भी होती है अगर आप जीत रहे हो तो। एंड नेक्स्ट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हो कि अगर बॉम्ब डिफ्यूज़ ना करो। सो एज यू कैन सी बॉम्ब लग चुका है एंड बॉम्ब फटने वाला है एंड ये अभी फट जाएगा, तो देखो सो यार ये फट गया है, मैं बॉम्ब डिफ्यूज़ नहीं कर पाया इसलिए मैं ये राउंड हार चुका हूँ। सर्च एंड डिस्ट्रॉय में आपको जीतना होता है सारे राउंड्स, इसमें मैक्सिमम 5 राउंड्स होते हैं, मेरे में 6 शो हो रहे हैं क्योंकि मैं रूम मैच में हूँ। और अब बात कर लेते हैं कि ये जो नीचे पावर अप्स आ रहे हैं, सो एज यू कैन सी कि अभी भी मैंने एक एनिमी को मारा तो मेरा ये जो बार ये हल्का सा फेल हुआ, ठीक है। एंड अभी मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो मैं जितना एनिमी को मारूंगा मेरे जो ये बार है उतना फिल होता जाएगा। इस बार को फिल करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको बिना मरे एनिमी को मारना है, ठीक है। बिना मरे एनिमी को मारोगे तभी बार फिल होगी। एंड देख सकते हो बार फिल होने के बाद मेरा एक ये गैजेट अनलॉक हो गया, एंड इसको लॉन्च करते ही, इसको यूज़ करते ही आप देख सकते हो कि मैप में कि एनिमी की लोकेशन दिखा रहा है मैप में। सो ये गैजेट है, पहला गैजेट जो है UAV, एंड अगर आप इसको लॉन्च करते हो तो आपको एनिमीज की लोकेशन पता चल जाएगी। एंड इसके अलावा बाय डिफॉल्ट आपका एक नेक्स्ट गैजेट रहता है हंटर किलर ड्रोन, उसको आप अगर छोड़ देते हो तो वो एनिमी को रैंडमली मार देता है। सो एज यू कैन सी मेरा दूसरा गैजेट भी अनलॉक हो गया, मैंने हंटर किलर ड्रोन की जगह UAV काउंटर UAV लगा दिया है। इसको लॉन्च करने के बाद आपको कुछ खास इफेक्ट दिख नहीं रहा होगा, बट इससे एनिमी का मैप जाम हो गया होगा। अगर एनिमी ने UAV लॉन्च किया होगा तो उसका मैप जाम हो जाएगा एंड उसको UAV का कोई असर नहीं होगा। एंड उसके बाद फाइनल चीज़ आती है प्रेडेटर मिसाइल। अब इसको जब आप लॉन्च करते हो एंड इसका एम अगर किसी एनिमी पर लेकर जाते हो तो वो मर जाता है, अगर एनिमी स्टिल खड़ा है तो, और आप सही से एम लेते हो तो आप इस मिसाइल से बंच ऑफ एनिमीज को मार सकते हो, यानी कि पूरी पूरी टीम भी खा सकते हो। एंड नेक्स्ट जो चीज़ आती है ऑपरेटर स्किल, क्योंकि आप देख सकते हो ग्लो कर रहा है। अभी अगर मैं इस पर टैप करता हूँ तो एज यू कैन सी मेरी एक गन अनलॉक हो गई है जो कि आग छोड़ती है। अभी अगर मैं हल्का सा टैप कर दूंगा एनिमी पे जाके तो वो तुरंत ही मर जाएगा, एज यू कैन सी इसमें से आग निकलती है ऐसे ऐसे। एंड ये इसको भी आप चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यही फायर वाला लेके जा रहे हो, इसके अलावा बो एंड एरो ग्रेनेड लॉन्चर एंड बहुत कुछ होता है, एनिहिलेटर कटाना, सब वो भी लेके जा सकते हो। एंड जो आपकी देख सकते हो कि जब भी आप इससे मारते हो तो आपको पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं एंड जो आपके गैजेट्स हैं वो जल्दी जल्दी अनलॉक होते हैं। एंड ये जो गन होती है वो टाइम लिमिट होती है, मतलब आप उसको थोड़ी देर तक यूज़ कर सकते हो, तो थोड़ी देर में जितने एनिमीज मार पाओ आप मार लो। एंड बाकी तो आपका टैक्टिकल वेपन्स वगैरह है ही, एंड जो आपकी स्कोर स्ट्रिक्स हैं, जो भी आपकी गैजेट्स हैं, आप इनको भी चेंज कर सकते हो स्कोर स्ट्रिक्स में जाके। ओके गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो मैं पता है कि क्या करना है, वही लाइक शेयर सब्सक्राइब। वेल इस सीरीज़ का पार्ट 2 आएगा और नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा स्किन्स और लोड आउट्स के बारे में, ये कौन सा लोड आउट अच्छा होता है, कौन सी गन्स अच्छी होती हैं, एंड फ्री स्किन्स के बारे में बताऊँगा, पेड स्किन्स के बारे में बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, लेट्स रोल द इंट्रो।